लोग वो नहीं है जो दिखता है, उसके अंदर क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। वो दिखाएंगे नहीं आपको, वो जो दिखाएंगे वो सारा आप समझ सकते। हमें कुछ दिखेगा ही नहीं ये सब चीज़ें, उसका इंटेंशन हमें कुछ भी नहीं दिखेगा। आप किसी को कैसे परखेंगे वो क्या है, वो सच्चे वो झूठे, वो अच्छा है वो बुरा है, वो बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है, कैसे परखेंगे? जो कुछ भी करना है वो हमें करना पड़ेगा। वो कैसे? आप जब किसी से भी मिलते हो या किसी को सुनते हो तो आपको खुद को फील आएगी कि वो क्या है, झूठे सच्चे राइट है रॉन्ग है, जैसा भी है आपको जो फील आ रहा है आपको उसको समझना पड़ेगा। लेकिन आप किसी को समझने के लिए आपको पहले सही समझ होना चाहिए, तभी आप उस बंदे को समझ पाएंगे कि गलत है या सही है। आजकल ये सब नहीं चलता है। आजकल आपकी दिमाग बहुत तेज होना चाहिए, किसी को भी आप एक सेकंड में समझ जाना चाहिए कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए, बस सामने आया और डन, जो करना था जो समझना था समझ लिया। ऐसा भी नहीं है, आपका विचार बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, आपको सही समझ होना चाहिए, तभी आप उन चीज़ों को भी परख सकते हो। आपको अपने ऊपर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। बाहर जो कुछ भी हो रहा है उसको कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं हम, लेकिन वो कंट्रोल होता नहीं है और दिन प्रतिदिन और भी हम उलझते जा रहे हैं। बाहर जितनी भी इंसिडेंट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, चाहे आपके साथ अच्छा हो रहा है, चाहे आपके साथ अचानक से बहुत कुछ एक्सीडेंट हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, कोई भी बात बन रही है जो नहीं होना चाहिए था आपके हिसाब से, उस टाइम आपको सिर्फ ये समझना होगा कि आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो दिमाग है, आपकी जो संस्कार है वो कैसा रहे उस सिचुएशन में। बाहर तो बहुत कुछ होगा, वो हमारी कंट्रोल से बाहर है, इसलिए हमें उस बात को उस टाइम सही निर्णय लेके आगे क्या करना है इसको समझ के ही चलना पड़ेगा। इसलिए हमें बहुत सोच समझ के हर कदम लेना पड़ेगा। हमारी भाग्य को हम खुद बनाएंगे, हमें ऐसे लगाम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जो कुछ भी करना है वो हमें ही करना है, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। आपकी जो अपनी संस्कार है अच्छे वाले, जिसमें आपको गर्व होता है, प्राउड होता है, वो वाले चीज़ हमेशा याद रखिए। ऐसा नहीं कि दुनिया में कुछ हो रहा है, उस सिचुएशन के हिसाब से आप बदल गए या फिर आपका पता ही नहीं लग रहा है, आप कभी ठीक हो कभी सही हो कभी गलत हो कभी कुछ भी हो रहा है, ये सब चीज़ें नहीं चलेगा। हमें बिल्कुल सोच समझ कर हर चीज़ को ध्यान में रखना ही होगा। समय कुछ ऐसा चला आ रहा है, अभी मार्केट में बहुत इंतज़ार करने से थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, उनको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग बह मत जाइए। एक होता है ना, आप देखिए, आप नदी के जिस तरफ पानी बह रहा है उस तरफ अगर चलोगे तो बहुत आसानी से तैर सकते हो, और अगर आप उल्टा चलने की कोशिश करोगे आप सबको पता है क्या होने वाला है। तो अगर अभी बिजनेस की मोड जैसा भी है, अगर आप गलती से आ गए हो तो भी ठीक है, अगर आप जानबूझकर आए हो तो भी ठीक है, हमेशा पॉजिटिव बने रहिए, क्योंकि हमारे पास शायद, मैं जैसा समझता हूँ, हमारे पास शायद यही सबसे अच्छा रास्ता है। एक बार जब ऑन पैसिव में एंटर हो चुके हैं, हमें 100% समझना होगा कि हम सही है, क्योंकि आपके पास और कोई रास्ता ही नहीं। मेरे किसी के साथ बात हो रहा था और उस टाइम मैंने उसको बोला, भाई आगे क्या करेंगे, हम टाइम स्पेंड कर रहे थे, कभी बैठ के कुछ बातचीत कर रहे थे, जैसे अड्डा मारते बोलते, तो अचानक से उसको पूछा, भाई लाइफ के आगे क्या 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 हिसाब किताब है, कैसे चलेगा ये सब। तो उसने पता क्या बोला, उसने बोला कि मैं तो ऐसे टाइम पास कर रहा हूँ, बाकी घर में मेरे डैडी के बिजनेस है, जब ऐसा सब ठीक ठाक होगा और मैं डैडी के बिजनेस संभालूंगा, बस लाइफ उधर ही निकल जाएगा। तो मतलब उसके डैडी की अच्छी बिजनेस है और उस बिजनेस के ऊपर डिपेंड करके वो ऐसा फ्यूचर उसका बोल सकते, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा क्या होगा।
एक बार जरा सोचिए, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपका कैसे चलेगा? चलाना तो पड़ेगा ना। तो यही चीज़ें हम कभी सोचते नहीं हैं। है छोटी सी चीज़ें, हमें बजाय चाहिए, बजाय। हमें किसी भी चीज़ को समझने के लिए, करने के लिए, टाइम देने के लिए, जो भी बात बनेगी, हमें बजाय चाहिए। एक बजाय आप ढूंढिए अपने लाइफ की, अपने लाइफ की जो सबसे बेस्ट वजह है, रीज़न है, उसको ढूंढिए, जो आपको ही करना पड़ेगा। आप किसी के भरोसे मत रहिए। जो कुछ भी करना है आपको ही करना है। अगर वो वजह ऑन पैसिव में आने का है और ऑन पैसिव से अपना सपना पूरा करना है, तो वो वजह बिल्कुल परफेक्ट है। आप उसको हिलने मत दीजिए। कोई कुछ भी बाहर से क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, मैं बहुत 3-4 दिन से देख रहा हूँ, बहुत कुछ हो रहा है, ये सब ठीक नहीं है। ये सब हमारी जो मन की स्थिति है, इसको कमज़ोर बना सकता है। जो कुछ भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और अच्छा ही होगा। 100% मान के चलिए, आपको सब कुछ मिलने वाला है। अगर कुछ भी चीज़ गलत हो रहा है, वो तब देखेंगे, उसके लिए भी कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। समय के साथ सब कुछ ठीक होता है। ये यूनिवर्सल के पास नहीं है देने के लिए, बट हमें समय को समझना पड़ेगा। देखिए ना क्या क्या हो रहा है, लेकिन क्या हम सब उस चीज़ों से खुश रह पा रहे? नहीं, क्योंकि हमारे मुताबिक नहीं चल रहा है, वो अपने हिसाब से ही चलेगा। तो हमें अभी के लिए बहुत संभल के चलना पड़ेगा, बहुत कुछ सोच के चलना पड़ेगा, आने वाला टाइम कैसा भी रहे, लेकिन हम बिल्कुल सतर्क होके चलना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। मैं कुछ नया टॉपिक लेके आने वाला हूँ। एक दो दिन थोड़ा टाइम कम मिल रहा था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि वो टॉपिक आपके सामने लाऊंगा जो आपको वाकई लगेगा इसको वैल्यू देना पड़ेगा आपको। चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयारी करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।